कराची के उबैद शेख ना सिर्फ खुद विंटेज गाड़ियों का शौक रखते हैं बल्कि ये अब तक 60 से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को रिस्टोर भी कर चुके हैं। 1969 वॉक्स वैगन बीटल मिस्टर बीन की 1962 मॉडल मिनी ऑस्टन इनके गैराज में और कौन सी नायाब गाड़ियां मौजूद हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के एक ऐसे नौजवान से जिसको शौक़ है पुरानी गाड़ियों का। जी हां, एंटीक क्लासिक और यूनिक गाड़ियों का, और एक गाड़ी इनके पास ऐसी है जो मिस्टर बीन के पास हुआ करती थी। आइए आपको उस नौजवान से भी मिलवाते हैं, वो गाड़ी भी दिखाते हैं और मज़ीद आपको एंटीक गाड़ियों की एक ज़बरदस्त कलेक्शन दिखाते हैं। जबरदस्त सुबह भाई, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आइए आज आपकी गाड़ियां देखते हैं हम, पता चला कि मिस्टर बीन के पास जो गाड़ी थी वो उबैद के पास है। हा? जी बिल्कुल, आइए मैंने तैयार की, मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ियां। घर के अंदर अब हम आ चुके हैं और एंटीक क्लासिक यूनिक कार्स की एक ज़बरदस्त कलेक्शन जो है वो भी आपको दिखाई दे रही है। उबैद भाई बताइएगा कि नौजवानों को तो नए गाड़ियों का शौक़ होता है, आपके पास कुछ 69 मॉडल है, कुछ 62 मॉडल है और ये वाली गाड़ी तो मुझे वो है मिस्टर बीन याद आ गया देखकर, तो बताइएगा कि कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास और फिर इनके बारे में बताइए। ज़ुहैब भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास मिनी ऑस्टन है, 1962 का मॉडल है और ये गाड़ी मैं तकरीबन कोई 1.5 साल पहले लेके आया था। तो ये सीवीयू पे गाड़ी खड़ी हुई थी तो ये बिल्कुल रस्ट आउट हो चुकी थी, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इनफैक्ट इसके आधे आधे टायर ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, इसको हम लेके आए, इसको रेस्क्यू किया, इसको लाने के बाद हमने इसको पूरा रिस्टोर किया इसके अपने जनरल पार्ट्स के ऊपर। अभी भी काम थोड़ा बहुत बाकी है, इंशाल्लाह वो 2-3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह पार्ट्स आ रहे हैं तो वो भी फिर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा वैद भी मुझे इस गाड़ी के बारे में बताइएगा। ज़ुहैब भाई ये गाड़ी मेरे फादर की है। हाँ। ठीक है, और 1969 का मॉडल है ये। हाँ। ठीक है, और ये फर्स्ट ओनर है अभी तक हमारे पास। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इसके अंदर जो मैं सबसे ये बोलता हूँ कि ये गाड़ी वाहिद मेरे ख्याल से है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है। अच्छा, इन गाड़ी में प्रॉब्ली डिस्क ब्रेक्स नहीं आता, ये बहुत एक रेयर केस है इसके अंदर डिस्क ब्रेक होना। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और ये मेरी डेली ड्रिवन है गाड़ी। अच्छा, मैं ये डेली तकरीबन कोई 50-55 किलोमीटर पर डेली ड्राइव करता हूँ गाड़ी को। अच्छा, सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि आप बता रहे थे जैसा कि ये फर्स्ट ऑनर है और आपके, तो आपके वालिद साहब या आपके दादा ने ली थी? ये एक्चुअली मेरे दादा के पास थी। हाँ। दादा के पास है, मेरे फादर के पास, मेरे पास। ओह जबरदस्त, देखे जी ये भी हो रहा है। हाँ, कि दादा ने गाड़ी ली फिर वालिद ने इस्तेमाल की, तो इस गाड़ी में खास बात क्या है कि आप रोजाना इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ज़ुहैब भाई एक तो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का वैसे ही मैं शौकिंग हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड बहुत शौक से चलाता हूँ, राइट हैंड से ज्यादा मैं लेफ्ट हैंड ज्यादा शौक से चलाता हूँ, तो लेफ्ट हैंड होने की वजह से इसको ड्राइव करने का मजा ही अलग है। अच्छा ठीक है, अच्छा इस गाड़ी की तरफ आते हैं। ज़ुहैब भाई ये भी वॉक्सवैगन है। ठीक है, ये वॉक्सवैगन की बीच बग्गी है। ठीक है, ये इसकी जो बॉडी है फैब्रिकेट किया हमने यहीं पाकिस्तान में लोकल। ठीक है, अच्छा इसको हम कुछ डिफरेंट देना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये सेम यही चीज है। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि आप इसके अंदर बीच बग्गी टाइप है, या आप इसको सीव्यू पे ले जाएं, आप इसको ऑन रोड चलाएं, ऑफ रोड चलाएं, हर मौसम की है गाड़ी। कितने सीसी है ये? 1300 सीसी है, इसके अंदर 1300 का इंजन है। ठीक है, और ये बड़े मजे की चीज है, आप इसको कभी ड्राइव पे चलें। अच्छा, ये आपके जहन में इस तरह के आइडियाज आते कैसे? यानी ये यही आइडिया क्यों आया कि आप इसको मुकम्मल जो है इसकी बॉडी उतारें और बिल्कुल इसे आप क्लियर करें? भाई देखें, मैं शौक बचपन से मेरा यही रहा है वॉक्सी, और मैं वॉक्सवैगन बीटल जो है मैं तकरीबन कोई माशाल्लाह कोई 7-8 साल से डेली ड्रिवन इन गाड़ियों का। ठीक है, और मेरे पास ये मेरे ख्याल से कोई 67 या 68 गाड़ियां मैं तैयार कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली ये आपका शौक ही यही? हाँ, है मेरा बेसिकली मैं शौक है और मैं ये गाड़ियां रिस्टोर करता हूँ ये कराची में, मेरा अपना वर्कशॉप है। हाँ। तो हम गाड़ियां जो है ये स्क्रैप जो हो रही होती है, गाड़ियां खराब हो रही होती है, मैं उनसे वो खरीद के ले आता हूँ और फिर उसको अपने स्टाइल से तैयार करता हूँ। जबरदस्त, कोशिश मेरी यही होती है कि लोगों ने ये काफी मॉडल्स देखे। अच्छा, जो गाड़ियां बिल्कुल रस्ट आउट हो जाती है, इस गाड़ी का जो बॉडी हमने ऑफ करी है वो इसकी वजह ये थी कि इसकी बॉडी जो है बिल्कुल रस्ट आउट हो जाती है। अच्छा, वो गाड़ी रिपेयरेबल भी नहीं थी,
तो हमने कहा इसको बर्बाद होने से बेहतर है कि हम इसको सेव कर लें। और इसको हमने सेव करके अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी आप देखें, मैंने इसकी पूरी फैब्रिकेशन करवाई है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन। आप देखें पाकिस्तान में व्यूवर्स किस कदर टैलेंट है कि उबैद जो है वो बिल्कुल समझे कि खटारा गाड़ी लेकर आते हैं, बिल्कुल उसकी बॉडी होती है बल्कि बॉडी भी नहीं होती, और फिर ये आपको जो सामने शक्लें नजर आ रही हैं बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ जिन्होंने खुद तैयार की हुई हैं, कितनी कर चुके हैं, 62 कर चुके हैं, 62 जबरदस्त। अच्छा ये वाली गाड़ी तो ओहो मुझे मिस्टर बीन याद आ गए, हाँ मशहूर जमाना। ये मिस्टर बीन कार्टून जब से मिस्टर बीन आया तो उसके बाद से ये गाड़ी बड़ी पॉपुलर हुई है। अच्छा पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा वो है जिसको इस गाड़ी का मालूम है और इसकी वर्थ मालूम है। ये बड़ी लिमिटेड गाड़ियां रह चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कोई 15 या 16 गाड़ियां ही रह चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ से इंपोर्ट है और कितने सीसी है? ये मेड इन इंग्लैंड होती है, ठीक है, 1962 का मॉडल है ये। हाँ। ये 62 से लेकर आई थिंक कोई 78-79 तक ये आई है, ठीक है। अच्छा ये मार्क 1 है, इसके अंदर मार्क 2 भी आई है, मार्क 3 भी आई है, तो ये अपना सेमी ऑटो मैनुअल है ये। हाँ। और इसके अंदर बड़ी काफ़ी वेरियंट्स आए हैं इसके अंदर। अच्छा उबैद भाई आपने ये कितने अरसे में गाड़ियाँ तैयार की हैं, वक्त कितना लगा? अच्छा जुबैद भाई हमें तकरीबन एक गाड़ी तैयार करने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं, ठीक है, बाय ग्राउंड से लेकर और उसकी फिनिशिंग तक ना तकरीबन 7 से 8 महीने का हमें वक्फा जो है ना ये आ जाता है गाड़ियों के, एक गाड़ी के। अच्छा तो क्या करते हैं फिर आगे, सेल आउट कर देते हैं? देखिए मेरे पास जो पहले मैं अपनी लेता था गाड़ियाँ, फिर मैं उसको तैयार करके फिर सेल आउट करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब लोग मेरे पास खुद आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके, तो वो गाड़ियाँ हम तैयार करके फिर उनको वो दे देते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं तैयार करके। अच्छा ये गाड़ी सही है बिल्कुल ये चलने में मिस्टर बीन वाली? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है जी। इस गाड़ी के अंदर जब हम इसको लेके आए थे तो ये बिल्कुल रस्ट आउट हो चुकी थी गाड़ी, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था इस गाड़ी को तैयार करना। और जब मैं इसको लेके आया तकरीबन इसको 1.5 साल में मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह के अपने पांवों पे खड़ा कर चुका हूँ। तो ये आपको शौक है या आपके वालिद साहब या ग्रैंडफादर इसी तरह फैमिली का चलता हुआ? देखिए इस तरह ही हुआ है कि ये मुझे बचपन से एक शौक था, ठीक है, फिर फैमिली की तरफ से सपोर्ट एक अच्छा वो होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने काफी सपोर्ट किया इस चीज के लिए मुझे कि एक हेल्दी एक्टिविटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या समझते हैं कराची के अंदर ये जो हॉबी है या शौक है इस तरह एंटीक क्लासिक कार्स का वो किस हद तक है? देखें अब ये पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जब से ये हमारा सोशल मीडिया और ये सब चीजें आई हैं तो उस वक्त के बाद से अब तक जो है काफी लोग अब माशाल्लाह इन चीजों पर काम करना शुरू कर दिए। तो और कौन सी ऐसी गाड़ी जिस पर आप बना रहे हैं और आप अभी हमें बाद में नजर आएंगे? जोए भाई अभी एक इसका माइक्रोवेक आता है पिकअप, वो मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो 3 ही हैं गाड़ियाँ, तो उसमें से एक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग है, तकरीबन कोई उसको भी साल भर हो गया मेरे पास तैयार हो रही है वो। बारिश का जैसे कि मौसम हो रहा है कराची में, तो मुझे तो ये वाली गाड़ी जो है ना लग रही है कि इस पर जो है वो आपको घूमना चाहिए बारिश वाले दिन। जी भाई देखिए ये मैंने आपसे जैसे जिक्र किया ये ऑफ रोड भी है ऑन रोड भी है। हम इसको जब ऑफ रोड करते हैं हम उसको सी व्यू ले जाते हैं, वहाँ जाके उसको ऑफ रोड करते हैं। ये मौसम बड़ा मजे का हुआ है आपके कराची का, लेकिन अब वही है कि बस इसको निकालो फिर इसको लेके जाओ। तो आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी अपनी जाती फेवरेट जो है मेरी वॉक्सवैगन बीटल है, फिर सेकंड पे जो है ये मिनी ऑस्टिन आ जाती है जी।